हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट आने से पहले ही एक खास तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या खुशखबरी है जो गवर्नमेंट ने आपको दी है, ऐसा क्या तोहफा दिया है। तो गाइस, आप लोगों के लिए न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इससे पहले, आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, कट ऑफ या काउंसलिंग, हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, नीट का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 31 अगस्त तक आएगा। उससे पहले ही गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को क्या तोहफा दिया है। तो गाइज, नीट यूजी 2022 के लिए जो सीट मैट्रिक्स जो जारी की गई थी, उसके अलावा और सीटें इंक्रीज कर दी गई है, इंक्रीज़ के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो किन किन स्टेट्स के लिए, टोटल मिलाकर गए 16 स्टेट्स हैं जिनके अंदर, 16 स्टेट्स के अंदर सीटें इंक्रीज़ की गई है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स को, ऑल इंडिया जो है, उन सभी को बेनिफिट मिला है इनका। तो देखिए, हम चलते हैं डायरेक्ट जो न्यूज़ है उसकी तरफ, कि किस तरीके से ये खास तोहफा स्टूडेंट्स को मिला है। तो गाइज, ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये संसद में हुई है, पार्लियामेंट में हो चुकी है। तो किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने वाली है, किन किन स्टेट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जो स्टेट का कोटा है वो 85% है और ऑल इंडिया कोटा 15% है। तो बेनिफिट तो सभी स्टूडेंट्स को है, लेकिन जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो किन किन स्टेट्स के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं जो बढ़ रही है, तो राजस्थान में 700 सीटें बढ़ने वाली है, एमपी स्टेट के अंदर 600 सीटें, कर्नाटका के अंदर 550 सीटें, तमिलनाडु में 345 सीटें, गुजरात में 270 सीटें, उड़ीसा में 200 सीटें, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो 150 सीट्स है, महाराष्ट्र में भी 150 सीट्स है, झारखंड में 100 सीट्स है जो आपकी बढ़ने वाली है, पंजाब स्टेट में 100 सीट्स, पश्चिम बंगाल में भी 100 सीटें आपकी बढ़ने वाली है। अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 60 सीटें बढ़ रही है। ऐसे ही मणिपुर स्टेट की बात की जाए तो टोटल 50 सीटें बढ़ेगी आपकी, यूपी के अंदर 50 सीटें, उत्तराखंड के अंदर भी 50 सीटें बढ़ने वाली है, हिमाचल प्रदेश में 20 सीटें बढ़ने का अनुमान है। तो इन स्टेट से सीटें बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गए, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया और सीट मैट्रिक्स में भी क्लियरली मेंशन है, तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो तमिलनाडु स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश के तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 91,927 सीटें हैं, इनमें से 48,012 सीटें सरकारी और 43,915 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में है। तमिलनाडु सीटों के मामले में सबसे आगे है, यहाँ 10,725 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर उसका पड़ोसी राज्य कर्नाटक आता है, जहाँ पर 10,145 सीटें हैं और 9,895 सीटों के साथ तीसरा जो नंबर आता है वो महाराष्ट्र स्टेट का आता है। उसके बाद गैस यूपी स्टेट भी पीछे नहीं रहा है, यूपी स्टेट के अंदर भी 9,053 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि जो आपकी सीटें हैं वो इंक्रीज होने वाली है, और रिजल्ट आने से पहले अगर ये सीटें इंक्रीज हो जाती है, सीट मैट्रिक्स आपकी एक बार वापस से जारी हो जाती है, तो गैज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ होगी, क्योंकि फिर ये सीटें सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी। अदरवाइज देखा जाए 2021 के अंदर क्या हुआ था कि कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड हुए थे, तो थर्ड मॉपअप और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड था, मॉपअप राउंड के अंदर उन कॉलेजों को ऐड किया गया था, तो उन जो कॉलेज ऐड किए गए थे उनकी सीट्स का जो बेनिफिट उठा पाए वो थर्ड और फोर्थ राउंड में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे वही उठा पाए थे, फर्स्ट सेकेंड राउंड के लिए वो नहीं था। इसलिए ये एक खास तोहफा होगा आप लोगों के लिए यदि ये पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाए और सीट मैट्रिक्स के अंदर, काउंसलिंग के अंदर ये कॉलेजेस और ये सीटें अगर ऐड हो जाती है तो एक बहुत ही अच्छा चांस आपको मिलेगा, क्योंकि ये इतनी सीटें बहुत होती है गाइस। फिर भी अगर इन सबसे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।